हाय एंड वेलकम टू आई डिज़ाइन माय लाइफ। मैं सुमित, आपका लाइफ और बिजनेस कोच। अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम कवर करने वाले हैं रेस्टोरेंट की केस स्टडी। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको बता देता हूं कि अब तक हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर चुके हैं। हम लोग B2C के सारे मॉडल देख चुके हैं। B2C में तीन तरीके के मॉडल थे, एक B2C विद प्रोडक्शन, विदाउट प्रोडक्शन और कंज्यूमर सर्विसेज। हम लोग ने उसके बाद एक टेम्पलेट क्रिएट करी थी जो कि स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट है, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं और इससे अपने बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं और ये समझ सकते हैं मैं कहाँ पर फंसा हुआ हूँ और उससे आगे बढ़ सकते हैं। आज के दिन मैं B2C विद प्रोडक्शन में रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेने वाला हूं और आपको रेस्टोरेंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन ये केस स्टडी सिर्फ रेस्टोरेंट की नहीं है, आपका अगर यही बिजनेस मॉडल है तो आप इस टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसे मैं इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहा हूं आप भी उसे वैसे ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं हर स्टेप आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप इसे किस तरीके से काम करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वाले माइंड मैप को डाउनलोड कर लें और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वो वाले इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी। इसमें हम ये देखेंगे इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर B2C विद प्रोडक्शन क्या होते हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि डिमांड साइड को कैसे एनालाइज करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सप्लाई साइड को कैसे एनालाइज करेंगे। ये वाला जो वीडियो है, ये वाला वीडियो हम सिर्फ डिमांड साइड से देखेंगे क्योंकि सप्लाई साइड अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने B2C मॉडल विद प्रोडक्शन में बढ़ते हैं। आज मैं रेस्टोरेंट का केस स्टडी लेने वाला हूं और रेस्टोरेंट के बारे में सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई रेस्टोरेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वहां पे लोग क्यों आते हैं। रेस्टोरेंट में लोग एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, अच्छा खाना खाने आते हैं, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट ओनर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो दो चीज़ें, ज़बरदस्त कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट करना और उसे प्रॉफिट देना। इन दोनों चीज़ों को ही आज कवर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें उठानी है जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन उठाता हूँ बिजनेस की, सबसे फंडामेंटल इक्वेशन, और वो है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। रेवेन्यू आता आपका डिमांड से, इसलिए आपकी अटेंशन लेकर जाता हूँ डिमांड की तरफ। जो रेस्टोरेंट होता है उसकी जो सेल होती है उसका जो रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू रेवेन्यू। इसका मतलब ये दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों एलिमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इसको एक एक करके पकड़ेंगे कि किस तरीके से मैं नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ा सकता हूँ या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑर्डर बढ़ा सकता हूँ। इन दोनों में से कोई भी चीज़ बढ़ाएंगे तो आर बढ़ जाएगा, आर बढ़ जाएगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो शुरू करते हैं डिमांड से जो कि आपकी राइट हैंड साइड है और इस तरफ अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे आज। सबसे पहले मैं चलता हूँ मार्केट ग्रोथ स्ट्रैटेजीज पे। कोई भी जो ग्रोथ होनी है इन्हीं में से आनी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर प्रोडक्ट को चुनेंगे और प्रोडक्ट से देखेंगे हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं जिससे कि हम रेस्टोरेंट के उस प्रोडक्ट को ग्रो करें। अब मैंने जब प्रोडक्ट्स की बात करी है तो मैं मोटे मोटे 3-4 प्रोडक्ट ले रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन एक ऑफलाइन रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। मोटे मोटे इसमें 4 प्रोडक्ट होते हैं और इसे हम डेटा के फॉर्म में देखते हैं कि ये कैसा है। तो भाई इसमें जो पहला प्रोडक्ट है वो है आपके रेस्टोरेंट की सेल, जिसमें लोग आते हैं, बैठते हैं और खा के चले जाते हैं। एक होता है कई रेस्टोरेंट वालों के पास बैंकेट हॉल भी होता है तो उसे हमने पार्टी हॉल कहा है। थर्ड लेवल पे क्या होता है कि आपकी ऑनलाइन डिलीवरी होती है जिसे हमने मैनुअल सेल कहा है। और चौथे लेवल पे जो है उसे हमने कहा है तंबोला, किटी पार्टी, उसे ना सिर्फ तंबोला लिख दिया है हमने। जो इसके अंदर फिगर्स आपको दिखाने ये रिप्रेजेंटेटिव फिगर है। फिगर के राइट या रॉन्ग की चिंता मत करिए, प्रिंसिपल को समझिए। फिगर्स इजी इसलिए रखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको भी अपने बिजनेस में जब आप प्रोडक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ इसे कहते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिटिक्स, जो कि हमारा डिमांड का पार्ट था जहाँ पे हमने कहा था डिमांड एनालिटिक्स। और मैं इसी एनालिटिक्स से आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे सारे बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं रेस्टोरेंट के प्रोडक्ट्स पे आ गया हूँ। 4 मेन प्रोडक्ट होते हैं जो हमने देख लिए। अब इसके अंदर वैल्यू भरना शुरू करते हैं। तो भाई जो आपका रेस्टोरेंट की सेल होती है वो मैंने डाली है 5K, 6K और 7K, और ये मंथली लेवल पे हम देख रहे हैं। जो आपकी पार्टी हॉल की सेल है वो है 3000, 2500 और 3500। आपकी जो मैनुअल सेल है वो है 1000, 1500, 1500, और आपकी जो तंबोला की जो सेल है वो है 700 रुपये, 800 रुपये और 900 रुपये। बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स हैं लेकिन इन्हीं से हम सारी चीज़ें ड्राइव करेंगे। यानी कि ये मेरे 4 प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के अंदर भी एक प्रोडक्ट कैटेगरी होती है। मैं उस लेवल तक नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इस वीडियो के स्कोप के बाहर हो जाएगा। हालांकि जब मैं काम करता हूं
तब उन सब चीज़ों में घुसता हूँ। लेकिन आपको एक ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, ये चार मेन प्रोडक्ट है, आपको भी इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट अरेंज करने हैं। अब क्या करना है, इस प्रोडक्ट को उठाते हैं सबसे पहले मैनुअल सेल वाले और अपने मैप में प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज की तरफ जाते हैं, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हैं और देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। दोबारा अटेंशन आपकी मैप पे लेके जा रहा हूँ। प्रोडक्ट को बढ़ाने के चार मेन तरीके, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन की बात करते हैं, भाई मार्केट शेयर कैसे बढ़ा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या कर सकते हैं, जितने भी लोग आपके पास आए उनको अपने रेफरल कार्ड दे सकते हैं, उसमें उनसे कह सकते हैं कि भाई साहब अगली बार कोई आपका ये कार्ड लेके आया तो आपको 10% मिलेगा और जो आपका लाने वाला होगा उसे भी 10% या 15% मिलेगा डिस्काउंट। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ कस्टमर बढ़ा सकते हैं। मैं आपको इसका तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सोचने का तरीका बता रहा हूँ। आपको सोचना कैसे, आपको क्वेश्चन अपने बिजनेस के लिए ये पूछना है, मैं मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या ऐसा करूँ कि मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आना शुरू हो जाए। आपको ये इक्वेशन रिजॉल्व करनी है। इसलिए फिगर्स पे ध्यान मत दीजिएगा, तरीकों पे ध्यान मत दीजिएगा, प्रिंसिपल को समझिए। सेकंड लेवल पे जो है वो है मेरा प्रोडक्ट की यूजेज बढ़ा दूं। तो भाई एक तरीका है कि मैं प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़वा दूं। फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी, भाई आप लॉयल्टी प्रोग्राम दे दीजिए उन्हें कि भाई आप अगली बार आए तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो क्या होंगे, वो आपके पास फ्रीक्वेंटली आना शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्ट की यूजेज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपसेल कर दें। अपसेल में आप क्या कहें कि भाई कोई आदमी आपके पास आया है तो आपने उससे क्या कहा, सर आप ये 3-course dining लेंगे तो आपको इतने का पड़ेगा, तो आदमी कैलकुलेट करेगा 3-course dining में बता दिए क्या क्या होगा, पहले ड्रिंक्स होंगी ये, उसके बाद मेन मेन्यू होगा, उसके बाद स्वीट्स होंगे, आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अपसेल का एक तरीका बनाइए जो कि उसे पसंद आए। नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, वो देखते हैं भाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। भाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऐसे भी हो सकता है कि भाई आपका फाइन डाइनिंग का रेस्टोरेंट है, आप अला कार्टे कहते हैं, वहाँ पे आपने बूफे भी दे दिया, नया ऑप्शन दे दिया, राइट। बूफे का एक कॉस्ट निकाल लीजिए, कॉस्ट जनरली ऐसे निकाल लीजिए भाई अपना पूरा एवरेज ऑर्डर कैलकुलेट करिए, पर कस्टमर आप कितना कमाते हैं उसमें अपना मार्जिन जोड़िए, बूफे की वाली कॉस्ट लगा दीजिए। भाई जो आदमी आता वो सोचता अरे इतनी सारी चीज़ें इतने कम पैसे में ले लेता हूँ, तो आपके रेस्टोरेंट में डाइनिंग के लिए भी लोग आ रहे हैं और एक दूसरे लोग भी आ रहे हैं जो वैरायटी देखते हैं आ जाते हैं, डाइनिंग में उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। अगेन ये स्ट्रैटेजी सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अपना कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करूं और किस तरीके से करूं ताकि लोग बढ़ जाए। थर्ड लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, मार्केट डेवलपमेंट कर सकते हैं। मार्केट डेवलपमेंट में रेस्टोरेंट के एग्जांपल में अगर आप छोटे बिजनेस ओनर हैं तो भाई फ्रेंचाइजी खोलना एक ऑप्शन होता है, लेकिन वो तब आता है जब आप पूरा मार्केट कैप्चर कर चुके हो और आपका वहां से और जूस नहीं निकल सकता। एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है लोकेशन, लोकेशन का भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो भाई ये वाली चीज़ें हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। हमने प्रोडक्ट उठाए और देखा कि ये प्रोडक्ट इंडिविजुअली ग्रो कैसे करते हैं, ठीक है। यानी कि अब हम पहुंच गए कस्टमर एक्विजिशन की हमारी स्ट्रैटेजी थी, जिसमें हमने ग्रोथ स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके ये डिसाइड कर लिया कि हम मार्केटिंग में क्या क्या करने वाले हैं। तो दूसरा प्रोडक्ट जो हमने चूज़ किया वो है पार्टी हॉल। पार्टी हॉल की एक खासियत देखिए, यह हॉल खाली पड़ा रहता है तो आपको ये सोचना होता है यार इसका कंजम्पशन कैसे बढ़ा दूँ, कैसे यहाँ पर और लोगों को लेके आऊँ, क्योंकि ये एंटिटी ये उस तरीके से है कि आपकी बस रोज चल रही है, पेट्रोल का खर्चा हो रहा है, तो इसमें कोई भी सवारी बैठ जाए आपका फायदा ही है क्योंकि आपने खर्चा तो उठा ही लिया। तो इस प्रोडक्ट को हम बढ़ाने की बहुत कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक मार्केटिंग मैनेजर हायर करेंगे जिसका काम होगा आसपास की सोसाइटीज में जाना और लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर कराना कि भाई हमारा ये बैंकेट हॉल है जिसे आप बुक कर सकते हैं। ये वाली चीज़ें और चीज़ों पे भी डिपेंडेंट करती हैं कि भाई आपके एरिया में और कितने बैंकेट हॉल्स हैं, बैंकेट हॉल पर डेंसिटी पॉपुलेशन क्या है, मैं उसमें नहीं गुजरा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको मोटा मोटा पता लग जाएगा कि भाई मार्केटिंग मैनेजर को हायर करके क्या होगा। अब सोचने की बात, मैंने आपसे कहा मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए हर बक्से में मेजरमेंट लिखा हुआ है। अब जैसे ही आप पैसे खर्च करते हो मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया मेजर कैसे करोगे और इम्पैक्ट कहाँ आएगा, इम्पैक्ट कहाँ आएगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर मैं 10 रुपये लगा रहा हूँ और मैं 10 रुपये लगा के अगर 12 या 14 रुपये नहीं कमा रहा हूँ तो वो सौदा बेकार है। तो मार्केटिंग में क्या होने वाला, पैसे लगने वाले हैं, तो क्या करते हैं मार्केटिंग एनालिटिक्स जनरेट करते हैं। तो मार्केटिंग एनालिटिक्स में जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, अब ये वाली ग्रेड देखिए। तो हमने 2 प्रोडक्ट चुने, सबसे पहले कॉलम में क्या है प्रोडक्ट लिखा हुआ आपका रेस्टोरेंट सेल और सेकंड नंबर पे पार्टी हॉल।
वहां पे जो चैनल हमने चुना है वहां पे वो चैनल है आपका ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हम पैम्फलेट्स भिजवाएंगे, और जो दूसरा मेथड है वो हम मार्केटिंग मैनेजर हायर करेंगे। मान लेते हैं मोटे मोटे तौर पे दोनों पे हमने 10,000 रुपया खर्च करा। अब देखते हैं इससे इम्पैक्ट कहां पे आया। सो मान लेते हैं आपके रेस्टोरेंट में 50 लोग आते थे, अब 50 की जगह 70 आने लगे, यानी कि 20 का इंक्रीमेंट हो गया, तो यहां पे 20 डाल लेते। आपकी एक पार्टी होती थी महीने भर, एक की जगह 3 होने लगे, 2 डाल लेते। अब हमें ये देखना है कि भाई इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो आपको एक चीज बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसे कहते हैं कोका। कोके का मतलब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। और वो निकालते कैसे हैं, वो ऐसे निकालते हैं कि भाई हमारे 20 लोगों का इजाफा हुआ, इस इजाफे के लिए हमने 10,000 रुपए खर्च करे थे, एक कस्टमर एक्वायर करने की कॉस्ट 500 रुपए, यानी कि मैं एक कस्टमर 500 रुपए में खरीद ला हूं आज। ये देख मान लेते हैं कि पर कस्टमर आपको 800 रुपए का फायदा होता है, यानी कि आप 500 में एक कस्टमर खरीदते हो और उस कस्टमर से 800 रुपए लेते हो, 300 का मार्जिन हुआ। आपने टोटल रेवेन्यू कमाया 800 × 20 = 16,000। इस इक्वेशन का मतलब है कि मैं भैया 10,000 रुपए खर्च करता हूं, मुझे 16,000 रुपए मिल जाते, तो बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है। मैं अगर आपसे पूछूंगा कि भैया आप ऐसा करो मुझे 10,000 रुपए दो मैं 16,000 दूंगा, तो आप क्या करोगे, जितनी दौलत है उतनी इकट्ठा करे ये वाला काम कर लोगे। यही करना है। आपकी जो मार्केटिंग होनी चाहिए वो वायबल होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जैसे आप मेजर करेंगे। इस पूरे सेशन में मैं आपको एनालिटिक्स बताता रहूंगा और वो इंपॉर्टेंट चीजें बताता रहूंगा जो आपके लिए जरूरी है। कोका कैलकुलेट करिए। अब पार्टी हॉल पे आते हैं। पार्टी हॉल में हमने कहा एक था, 10,000 रुपए का हमने मार्केटिंग मैनेजर हायर किया, जिससे हमारी एक की जगह 3 पार्टी होने लगी, 2 पार्टी का इजाफा हुआ, यानी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन हुई 5,000 रुपए। पर पार्टी से हमें 10,000 रुपए मिलते हैं, तो भाई 30,000 रुपए हो गए, यानी कि आपने 10,000 रुपए खर्च करके 30,000 रुपए कमा लिए। बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है। एक और मार्केटिंग का लड़का हायर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि चीज काम कर रही है। तो आशा करता हूं आपको ये प्रोडक्ट एनालिटिक्स समझ में आया, आपको ये समझ में आया कैसे आप अपना हर प्रोडक्ट पकड़ेंगे, जाके मैप में ग्रोथ स्ट्रेटेजी में हर स्ट्रेटेजी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और सोचेंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। जब आप वो वाला काम करेंगे, वो वाला काम एक्शन आप अपने कस्टमर एक्विजिशन मार्केटिंग वाली चीज में लिखेंगे, उसका ओनर डिसाइड करेंगे और उसे मेजर करने के लिए ये वाली एनालिटिक्स जनरेट करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि मैं 10 रुपए खर्च कर रहा हूँ तो कितने के वापस कमा रहा हूँ। रेस्टोरेंट के बिजनेस में सेल्स वाला ज़्यादा एंगल नहीं आता, इसलिए मैं सेल्स वाली एनालिटिक्स को नहीं छूंगा। हर चीज़ हर आदमी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे कहा ये बहुत स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट है, तो इस पोर्शन को काट दीजिए। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि आदमी जब होटल में आ जाता है तो खा ही लेता है, वहाँ पर कन्विंस नहीं करना होता आपको, इसलिए सेल्स वाली चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक प्रोडक्ट के लिए है, और वो प्रोडक्ट है हमारा पार्टी हॉल की सेल बढ़ाना। तो यहां पे आपको थोड़ा सा एनालिटिक्स करना पड़ेगा, और वो एनालिटिक्स इस चीज के अराउंड होगा, फनल के अराउंड, कि भाई आपका आदमी कितने आदमी से मिलता है। मान लीजिए 30 आदमी से मिलता है, उसमें 10 लोग इंटरेस्टेड होते हैं और उसमें से एक ही आदमी आता है, अगले महीने फिर यही इक्वेशन जाती है, उसके अगले महीने यही इक्वेशन जाती है। तो आपको ये देखना होगा कि इसको मैं बेटर कैसे करूं, क्योंकि महीने में अगर 3 आ रहे हैं और 30 में से 10 बन रहे हैं और 10 में से एक बन रहा है, तो आप कोशिश करिए 10 में से एक ही क्यों बन रहा है यार, 10 में से 3 क्यों नहीं बन सकते। क्योंकि अगर आपने ये वाला एफर्ट मार दिया कि 10 में से 3 कर दिए, तो आप पार्टी में 3 गुना ग्रो कर जाएंगे, और आप देखिए आपका जो पार्टी का प्रोडक्ट है वो आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा देता है, मार्जिन भी ज़्यादा देता है। अगर आप प्रोडक्ट एनालिटिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो गोल सेटिंग की एक सीरीज़ है जो मैंने बनाई थी, उसमें जो 3rd एपिसोड है उसमें ये चीज़ बहुत डिटेल में दे रखी है। आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा और आप उससे ये वाला काम कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। इस टॉपिक पे हमारी डिमांड वाली चीज़ है जो अब तक कवर हो चुकी है। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो हम एक प्रोग्राम भी रन करते हैं जिसे हम ग्रो योर बिजनेस 5x कहते हैं। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है 3 महीने का, जिसमें हम आपके साथ आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करते हैं। इस प्रोग्राम में देश के कोने कोने से बिजनेस ओनर्स ज्वाइन करते हैं जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बट उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, उनके पास सोचने का तरीका नहीं होता है, उनके पास सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क नहीं होता है जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो करें और उस हाइट्स पर ले जाएं जो वो चाहते हैं। कोई भी बिजनेस को बड़ा कर सकता है। बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको बड़ी सोच की ज़रूरत होती है, स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, प्रोसेस की ज़रूरत होती है और पीपल की ज़रूरत होती है। आप जब इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो इसके ज़रिए आप अपने बिजनेस को वो ग्रोथ दे सकते हैं जो आपने चाही है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अपनी पुरानी कंपनी को हमने 0 से 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी 4 साल में बिना किसी फंडिंग के।
और मैं बहुत सारी कंपनियों के साथ उनके बिजनेस कोच की तरह काम करता हूँ, जिसमें मैं उनकी मदद करता हूँ उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगा, उसे चेक कर लीजिए, आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आपको इस प्रोग्राम में वो सारे फ्रेमवर्क्स, प्रोसेसेस और लर्निंग मिलेंगे जिसे हमने यूज़ करके अपनी कंपनी को 250 करोड़ तक पहुँचाया था। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को भर दीजिए, हमारे कंसल्टेंट्स आपको रीच आउट कर लेंगे और इस प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक मोबाइल पर यह वीडियो देखते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप इस जगह पर जब क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएंगे जिससे आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस जगह पर क्लिक करिए और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे व्हाट्सएप के बिजनेस कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं आपके साथ बहुत क्लोजली काम करता हूँ और ये पूरी की पूरी बिजनेस कम्युनिटी है। इसमें आप अपने क्वेश्चन ला सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपके उन क्वेश्चनों को वहाँ पर आंसर कर सकूँ। मैं इस कम्युनिटी में डेली लेवल पर वीडियो भी बना के डालता हूँ जिससे बहुत सारे लोग बेनिफिटेड होते हैं। चलिए डिमांड साइड का मैं क्या करता हूँ, अब आपको समराइज कर देता हूँ एक बार फिर से आपको कैसे यूटिलाइज करनी है चीज़ें। टेम्पलेट लीजिए, अपने प्रोडक्ट डालिए, अपने हर प्रोडक्ट को ग्रोथ स्ट्रेटेजी वाले स्टेप पे जाइए, देखिए क्या क्या कर सकते हैं, उसे मार्केटिंग में लिखिए, उसका तरीका ढूंढिए, उसे मेजर कैसे करेंगे, कोका निकालिए और देखिए क्या ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी और इस चीज़ को मेजर करते रहिए, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करिए, ज़्यादा पैसे एक साथ किसी भी चीज़ में मत लगाइए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इस वीडियो को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ये लंबा हो चुका है वीडियो। अभी हमें अपनी सप्लाई साइड भी कवर करनी है। सप्लाई साइड में भी मैं आपको बताऊंगा कि टेम्पलेट को यूटिलाइज करके कैसे आप अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइड है, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसे रिजॉल्व करने में जाता है, क्योंकि आप बिजनेस में काम करते हैं, बिजनेस पर काम नहीं करते। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि अब तक का देखा हुआ आपका एपिसोड बेकार हो जाएगा अगर आपने वो वाली चीज़ नहीं देखी। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जाने से पहले अपने आप से बोलिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ एंड आई डिजाइन माई लाइफ।